Hi everyone, this is Josh Arwal and welcome to Warfare Channel. तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 21 जुलाई है, वेडनेसडे, द बी वर्ड के नाम से यहाँ एक डिस्कशन होने वाली है बिटकॉइन को लेकर, जिसमें होंगे इलन मस्क, जैक डॉर्सी और इसी के साथ कैथी वुड, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े जो बिलियनर्स हैं, उनकी मीटिंग होने वाली है बिटकॉइन की डिस्कशन को लेकर। तो ये तीनों प्राणी कॉन्फ्रेंस करने वाले, एक लाइव डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बाद या फिर जिसके दौरान हो सकता है कि एक अच्छा बिटकॉइन में पंप आ सके, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है कि इसके बाद शायद टेस्ला वापस से बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर ले, कि बहुत लंबा समय हो चुका है। अभी बहुत से ऐसे सोर्सेज बन चुके हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज बन चुके हैं, जिसके द्वारा बिटकॉइन की माइनिंग पॉसिबल हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन सभी ऑन कर लो, ताकि आप तक हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस वक्त अगर कुछ कमी है बिटकॉइन के प्राइस को लेकर, तो वो यही है कि बाइंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनकी बाइंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अगर रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ डिप भी बाय कर रहे, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहे हैं। थोड़ा समय पहले हम देखें तो 29,300-400 डॉलर के आसपास प्राइस चल रहा था, अभी 800 चल रहा है, यानी कि कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ रहा। इसी के साथ जितने भी ऑल्टकॉइन्स हैं बहुत बुरे तरीके से ब्लीड कर रहे हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हैं। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो इसका अगर मूविंग एवरेज देखते हैं तो बहुत नीचे जा चुका है, ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुका है कि इसके बाद एक बहुत बड़ा डंप और भी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, यानी कि करीब 50-60% और ज्यादा डिप में जा सकता है। अभी एक न्यूज आई थी यूरोप की कि जितने भी एनोनिमस वॉलेट्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट्स की बात करें तो एक्सट्रीम फियर चल रहा है। जब से प्राइस 30,000 डॉलर से नीचे गया है, तब से बहुत ज्यादा सेंटीमेंट्स फियर में जा चुकी है। तो यहाँ कॉन्फ्रेंस तो होना ही है, लेकिन इसी के साथ एक और मीटिंग पॉसिबल हो सकती है, जो कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन के द्वारा होगी। स्टेबल कॉइन्स को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स में एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम है। अगर हम बात करें यूएसडीटी की, यूएसडीसी की, तो इनका मार्केट कैप भी बहुत बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या इलन मस्क कल कोई अच्छा एक्शन लेने वाले हैं बिटकॉइन के रिगार्डिंग, क्योंकि हो सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसी डिस्कशन पॉसिबल हो जाए जिससे इलन मस्क शायद वापस से कन्विंस हो जाएं बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए, एंड वापस एक पॉजिटिव डायरेक्शन बन सकती है। इस वक्त अगर कोई बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो मार्केट को बचा सकता है, वो सभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही बचा सकते हैं। अब फिर अगर हम बात करें ऐसी बिलियनर्स की, तो अगर वो एक अच्छी वॉल्यूम लेके आएंगे बिटकॉइंस में, तो इससे बिटकॉइन को प्राइस तो पंप होगा ही, लेकिन और भी अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि जून 24 को जैक डॉर्सी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, लेट्स हैव द टॉक, एंड उसके बाद इलन मस्क ने ट्वीट किया कि हाँ बिटकॉइन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वक्त माना जा रहा है कि जैक डॉर्सी को बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज्यादा नॉलेज है बिटकॉइन के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि वो इलन मस्क को कन्विंस कर पाए। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगर स्क्वेयर और आर्क इन्वेस्ट दोनों अगर डिस्कशन करेंगे बिटकॉइन के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि वो ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी लेके आए जो फ्यूचर के लिए भी काम आएगी। तो ये सिनेरियो बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेड हो रहा है जैसा कि पहले डॉजकॉइन को लेकर एक SNL आना था। तो SNL जब इवेंट आया था तो बहुत अच्छा पंप आ गया था, करीब 57 रुपीज तक डॉजकॉइन पहुंच चुका था, लेकिन जैसे शुरू हुआ इवेंट उसके बाद बहुत बड़ा डंप आया। तो देखते हैं कि कल के दिन द बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े और भी इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, बहुत सी ऐसी डिस्कशंस होने वाली हैं। तो आपके क्या मानना है इसके बारे में, क्या कल के दिन फिर से बिटकॉइन एक अच्छी रैली पकड़ सकता है या नहीं, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आप किसी भी कॉइन के बारे में जानकारी चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको हर एक अपडेट 24/7 मिलने वाली है, तो आप दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर एक अपडेट के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। धन्यवाद।